प्रशासन 35 घंटे के कर्फ्यू को लेकर सख्त हो गया है। शहर से लेकर गांवों तक इसका पालन कराया जा रहा है। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू के नियमों के पालन न करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रशासन नाइट कर्फ्यू को लेकर सख्त हो रहा है। शहर से लेकर गांवों तक इसका पालन कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने इसके पालन को लेकर SDM, CO व थाना अध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी के लिए लगा दिया है। पुलिस हर पहलू पर नजर रखे हुए है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि कोरोना का प्रकोप हर रोज बढ़ रहा है, थोड़ी सी लापरवाही से जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में प्रशासन के लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सख्त होना पड़ेगा। जिले के सभी गांवों, शहरों व कस्बों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बिना मास्क के बाहर मिलते ही उसका चालान किया जाएगा। शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस नियमों का पालन करा रही है। इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण आज शाम 8 बजे से पूरे चंदौसी में, पूरे जनपद में और पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इसमें केवल मेडिकल की दुकानें और जो बहुत जरूरी सामान है, दूध और इस तरह की दुकानें खुलेंगी। बाकी सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग अपनी अपनी दुकानें अभी 8 बजे से बंद कर लीजिए। इसमें जिस भी व्यक्ति के द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जाएगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क के अगर कोई घूमता हुआ दिखाई देता है तो उसका 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा। पहले 500 रुपये का चालान काटा जा रहा था, अब आज से 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग इस नियम का पालन करें और कल पूरे दिन अपने दुकानों को बंद रखें, जिससे कि सफाई का अभियान चलाया जा सके। आप सभी लोगों से, जो पत्रकार भी यहाँ पर हमारे उपलब्ध हैं, आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग अपने टीवी चैनल और अन्य अखबारों के माध्यम से ये जरूर जनता को सूचित करें कि कल के पूरे दिन लॉकडाउन रहेगा। इसमें केवल एसेंशियल सर्विस के जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, बाकी सबको बंद होना है। इसका पालन जो नहीं करेगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई संशय ना रहे लोगों को। कि आप 8 बजे के पहले दुकान अपनी बंद कर लें और ये सोमवार को 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान कोई दुकान ना खुले और लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें जब तक कि जरूरी ना हो। बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग नहीं करने पर जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। तो मैं आपसे ये अपील करूँगा कि आप बिल्कुल ही बिना मास्क के ना निकलें। एक बार जब घर से बाहर निकलते हैं तो देख लें कि हमारे चेहरे पर मास्क है या नहीं है, अदरवाइज हमारे द्वारा उसका इन्फोर्समेंट कराया जाएगा और जो जुर्माने की राशि है वो काफ़ी ज़्यादा है, फिर आपके पॉकेट पे वो असर करेगा। बस मैं चंदौसी वासियों से अपील कर रहा हूँ कि कोरोना के इस महामारी के दौरान जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं, इसमें सहयोग करें। ये इसके लिए नहीं है कि जब तक हम आपसे बंद न करवाएं तो बंद नहीं करें। आप अपना ये आपके स्वयं प्रेरणा से आपके द्वारा ये काम कर लिया जाना चाहिए। तो आपको 8 बजे के पहले बंद कर लें और हमारा सहयोग करें। सोमवार को सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से ये कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू है, इसमें आपकी दुकानें भी बंद रहेंगी, आप बाहर भी नहीं निकलेंगे। ऐसी मेरी अपील है आप लोगों से, आप सहयोग करेंगे। एक्चुअली जैसा आप लोगों को मालूम है कि संभल में हमें सबसे ज़्यादा केसेज मिल रहे हैं, उसका संभल को लेकर हम ना सर सकते हैं। और इनफैक्ट अभी रात को 8 बजे से लेकर सोमवार को 7 बजे सुबह तक के जो है पब्लिक बाजार बंद रहेगा और इस संबंध में सभी एहतियात का जो सारे जो इंतजाम है वो हमारे द्वारा कर दिए गए हैं और लोगों को अपील दी गई है कि दुकान न खुलें और साथ में जिसको आवश्यक है वैसे सब वैसे स्थिति में आप बाहर निकले, लेकिन आप मास्क का प्रयोग करें। मास्क के जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है शासन के द्वारा, तो ऐसी नौबत ना आए कि जुर्माने की राशि वसूल करनी पड़े। हमें आप लोगों के माध्यम से सबसे अपील करनी है कि इसमें हमारा सहयोग करें, कोरोना का पूर्ण रूप से हम लोग बचाव कर पाएंगे।